ਬਿਲਚੰਦ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। दस दिए कि यह जो गंभीर मामला है अपने आप में, क्योंकि इतने फोन से जानो मन की धमकी दी गई। इस तो पहला भी इसी तरह की धमकियां दो बार उन्होंने मिल चुकिया ने, जिसके बारे पुलिस को शिकायत भी कर चुके हैं। इस तो पहला भी इसी तरह के फोन आया कि कल अमृतसर जाने तो पहला उन्होंने फोन आया, जिस खास तौर पर जानो मन की धमकी जी है वह दी गई है। दस दिए कि बठिंडा जिला तो भाजपा प्रधान ने सरूप चंद सिंगला हाल ही कुछ गैंगस्टर जो फड़े गए सन, उन्होंने एक खुलासे अहम किए सन कि किस तरह कुछ जोड़े ने टारगेट से ने आगू अजे विचकार। हालांकि इस तो पहला जिस तरह कई घटनावां वापरियां, टारगेट किलिंग के मामले भी सामने आए, उत्थे कई आगुआं नू टारगेट किया गया और इत्थे सरूप चंद सिंगला नू इस तरह धमकी मिलन का यह जो मामला सामने आया है अपने आप च बेहद गंभीर। हुण पुलिस नू एक बार फिर शिकायत उन्होंने जरूर की है। दस दिए कि लेकिन अपने आप दे विच ये जो सूबे दे विच हालात बन रहे हैं वह एक बार फिर तो चिंता का विषय बन रहे हैं कि किस तरह आगुआं नू जानों मारन दीआं धमकियां मिल रही ने और किस तरह टारगेट जड़ा है वो कीता जा रहा है। देखो गल असी कोई गलत गल नहीं करते, असी कोई गलत काम नहीं करते। किसी पार्टी वास्ते काम करना वो तो हिंदू सिख सारी करी जाते हैं। सो जिस तरह के नाल इत्थे धमकी देंदे हुए और खास तौर पर इत्थे सूरी का भी जिक्र जिन्हां दा कतल किया गया सीगा। सो जे विचकार अपने आप च बड़ा गंभीर यह मामला। साडे नाल मुनीश इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आ। मुनीश, एक बार फिर तो धमकी मिलण दी जो असी क्योंकि ऑडियो भी सुनी है, शरेआम धमकी देंदे हुए नजर आया जो कि शख्स है जिसने फोन किया। बिल्कुल, देखो राधा पहला मामला नहीं है, भाजपा में शामिल हुए सरूप सिंगला नूं तीजी वार जिहड़ी कॉल आई हैगी है, धमकियां आई हैगियां, क्योंकि उन्होंने बीते दिन अमृतसर जाना हैगा ते उसनूं उस तों पहलां देखो उन्होंने को इनफॉर्मेशन है कि उन्होंने अमृतसर जाना तो उन्होंने धमकी दी गई है कि जो अमृतसर जाणगे बचा के जाण, अपने नाल बंदे लैके जाण। इस तों पहलां प्रॉपर्टी की भी उन्होंने धमकी है, जिसकी जिला पुलिस मुखी ने उन्होंने शिकायत भी की है। तो इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों उन्होंने उन्नी है जी सुरक्षा नहीं दी जा रही जिनी सुरक्षा की जरूरत हैगी है, क्योंकि लगातार सरूप चंद सिंगला जो भाजपा शामिल हुए हैं उन्होंने धमकियां मिल रही है, कितने ना कितने इन्होंने सिख या हिंदू मामले में लैके भी है धमकियां दिखाई जा रही है। तो हम इन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसे कई खुलासे भी होने की उम्मीद है ते उस तो बाद पता लगेगा कि किस तरह दी धमकियां आ रही ने जां पुलिस इन्हां दे मामले च किस तरह की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि इस तो पहला भी जिस तरह के नाल धमकियां उन्होंने मिल चुकिया ने, खास तौर से जो असीं इह ऑडियो धमकी वाली सुन रहे हैं, इस विच सूरी का भी जिक्र किया गया जिसका कि कतल बेरहमी नाल किया गया सी, कि इस विच उन्होंने जिक्र किया कि तमाम उन्होंने कोल सिक्योरिटी गार्ड सन, हथियार सन, लेकिन उस तो बाद भी कतल किया गया। सो यह धमकी जी है बेहद गंभीर है अपने आप। बिल्कुल, देखो मामला काफी गंभीर है, पर दो बार धमकियां आने के बावजूद इन्होंने को सिर्फ एक गनमैन है जो पंजाब पुलिस ने इन्हों दिता हुआ है, पर जब आप गनमैन की भी गल करिए तो पिछले दिनों देखा कि गनमैन के होने के बावजूद भी लोगों के उत्ते हमले हुए ने, कतल हुए ने,
तो इस तरह कह सकते कि पंजाब च अपने आप नू कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। थोड़े दिनों की पहला गल करिए तलवंडी साबो च एक हस्पताल दाखिल होके कुछ लोगों ने डॉक्टर उत्ते हमला किया, डॉक्टर नू जख्मी किया, बेशक डॉक्टर ने उन्होंने काफी मुकाबला भी किया, पुलिस ने उन्होंने आरोपियों फड़न का दावा भी किया है, पर किसी ना कि पंजाब का जोड़ा माहौल है जरूर चिंताजनक बनया होया है। आम लोग ने जोड़े काफी चिंताजनक, जेकर अजे लीडर जो कि आगू ने जिले का प्रधान है भाजपा के, वो सुरक्षित नहीं तो आम लोग क्या कह रहे थे किस तरह सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह सुरक्षित हो सकते हैं अपने आप गंभीर मामला और समा रहा जो उचेचे कदम ने वो चुकने वाकई जरूरी ने, ताकि कोई भी अनसुखावी घटना ना वापरे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल की सारी जानकारी।